बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन में। मेरा नाम भारत शर्मा है और आज हम बात करेंगे कि सही तरीके से गेट एरिया कैलकुलेशन एक कास्टिंग को भरने के लिए, एक अच्छी फिलिंग के लिए, अच्छे एस्थेटिक कास्टिंग के लिए, पोरोसिटी फ्री कास्टिंग के लिए एक सही गेट एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो गेट एरिया होता क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। जैसे आपके सामने ये पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इस पार्ट के अंदर में ये जो एरिया है ये है इसका बिस्किट, ये इसका मेन रनर है, ये इसका जो सब रनर है जिसको हम गेट रनर भी कह सकते हैं, और ये जो एरिया है ये है इसका गेट। गेट मीन्स क्या है, आप अगर इसको एक बार आँख बंद करके अगर समझने की कोशिश करें तो गेट वो एरिया है जिसके थ्रू, वो एक ऐसा पैसेज है, जो एक ऐसा एरिया है जिसके थ्रू हमारी जो कास्टिंग है जो फिल होने वाली है, जो मेटल उस कास्टिंग के अंदर फिल होने वाला है वो मेटल उस एरिए से होके जाने वाला है। तो किसी भी कास्टिंग को फिल करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उसका फ्लो रेट और किस स्पीड से वो कास्टिंग फिल होगी। तो इन्हीं पैरामीटर के जो अंदर वेरिएबल्स हैं उनको हमें सही से चूज करना है गेट एरिया कैलकुलेट करते समय। तो स्टार्ट करते हैं इस गेट एरिया कैलकुलेशन को और इसमें देखेंगे हम लोग कि इसके अंदर आने वाले वेरिएबल को हमने कैसे चूज किया है। तो जो गेट एरिया कैलकुलेशन होती है वो स्टार्ट होती है हमारी फॉर्मूले से। गेट एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा क्यू अपॉन बी, जहाँ पर क्यू जो है हमारा फ्लो रेट है और वी जो है वो हमारी गेट वेलोसिटी है। तो इसको आगे और क्यू को हम लिख लेते हैं कि क्यू के अंदर आने वाले जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर जो है वॉल्यूम अपॉन फिलिंग टाइम, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम है हमारा कास्टिंग वेट प्लस ओवर फ्लो वेट डिवाइड बाय जो भी हमारा एल्युमिनियम अलॉय है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमारे पास जो यहाँ पे कास्टिंग वेट है वो है लेट्स से 900 ग्राम्स और ओवरफ्लो वेट जो है हमारे पास वो है 135 ग्राम। अब इसके अंदर में जो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है वो वेरिएबल है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों इसके अंदर में स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप अपने यहाँ अपने फ्लोर्स के ऊपर में, अपने शॉप के ऊपर में भी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी एल्युमिनियम अलॉय आपको कास्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो मैंने यहाँ पे लिया है, मेरे पास ADC 12 और ADC 7 दो तरीके के अलॉय हैं। तो मैंने जब इसके ऊपर में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों की अलग अलग जब फिजिकली मेज़र की तो मैंने इसके अंदर ये देखा कि ADC 7 का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू ADC 12 जो है वो कम होती है। आप अपने यहाँ पर इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए जो भी कास्टिंग आपके यहाँ कास्ट हो रही है उसके बिस्किट जो है इस तरीके से आप ले सकते हैं। लेने के बाद में आप इसका जो है वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। वजन करने के बाद में इसको सिंपल जो इसकी लंबाई है, लंबाई के अंदर में आप ये ले सकते हैं जो इसकी बिस्किट की थिकनेस है वो ले सकते हैं, और इसका जो आप पाई आर स्क्वायर एच से जो है इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जो भी इसका वॉल्यूम आएगा उसको वेट से डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी।
तो मैंने ये मेजरमेंट फिजिकली की है, तो आप भी अपने प्लांट के अंदर में इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल आता है वो रोल ये है कि जब भी आप इस स्पेसिफिक ग्रेविटी इस सॉलिड फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे या मेजर करेंगे, तो वो जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी उसमें से आपको जो भी इसका श्रिंकेज अलाउंस होता है वो माइनस करना पड़ेगा। वो कैसे माइनस करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर में, कि लेट से आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड पार्ट की 2.7 आई, तो आपको क्या करना है कि आपको मालूम है कि एल्युमिनियम अलॉय का जो श्रिंकेज अलाउंस है वो 5 से 6% जो है होता है इसके अंदर में। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर में 2.7 का 6% जो है 1.62 हुआ, तो ये 0.162 जो है आपको 2.7 में से माइनस करना है, 2.7 माइनस 0.16, तो ये आएगा आपका 2.54। तो 2.54 क्या है कि ये आपकी लिक्विड फॉर्म के अंदर जो भी अलॉय है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो आप इसके अंदर से माइनस जो है 0.16 करेंगे तो ये 2.54 है, तो ये एक राइट स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी आपके गेट एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरी चीज़ मैं इससे रिलेटेड आपको जो बताना चाहूँगा स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड जो है, कि बहुत सारे डिज़ाइनर जो हैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जब आप गेट एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गेट एरिया कैलकुलेट करते समय। बिकॉज मोस्टली लोग जो हैं ADC-12 जो है हमारे एशिया के अंदर में जो है कंज्यूम होता है डाइकास्टिंग के अंदर में, तो जो कैलकुलेशन है वो भी ADC-12 के अलावे को कंसिडर करते हुए ही जो हम लोग कर देते हैं गेट एरिया कैलकुलेशन की। जो और कैलकुलेशन है जहाँ भी स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ए वेरिएबल यूज होता है वहाँ पे हम लोग ADC-12 की ही स्पेसिफिक ग्रेविटी को कंसिडर कर लेते हैं, बट जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए इसके अंदर में कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे एल्युमिनियम अलॉय के अंदर में एल्युमिनियम की परसेंटेज बढ़ेगी वैसे वैसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उस अलॉय की जो है कम होगी। दूसरा, आपको हर अलॉय की फिजिकली आपको मेजर करनी चाहिए, उसमें से श्रिंकेज अलाउंस माइनस करना चाहिए, और जो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी आए उसको गेट अपनी कैलकुलेशन में, गेट एरिया की कैलकुलेशन में, या जहां भी स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ए वेरिएबल आता है वहां पे उसको कंसिडर करना चाहिए। तो आगे चलते हैं, इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग। वॉल्यूम आया हमारा 900 + 135 जो हमारा कास्टिंग वेट और ओवरफ्लो वेट है, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि हमारी 2.54 है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, 900 + 135 = 1035 डिवाइडेड बाय 2.54 जो कि हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये हमारे पास आया 407.48 सेंटीमीटर क्यूब जो इसकी यूनिट है। अच्छा, हमें इन यूनिट का जो है बड़ा ध्यान रखना है कि हम किस यूनिट के अंदर में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है, वॉल्यूम के बाद में हमें क्या चाहिए इसके अंदर में, फिलिंग टाइम। फिलिंग टाइम मैं ऑलरेडी जो है इसकी कैलकुलेशन अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपका इसका लिंक जो है डाल दूंगा। तो फिलिंग टाइम हम लोग जो यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो 0.04 सेकेंड है एक अच्छी फिलिंग के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो कंसीडर करेंगे फिलिंग टाइम 0.04 सेकेंड करेंगे, तो क्यू बराबर जो आएगा हमारा वो आएगा 407.48 डिवाइडेड बाय 0.04। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 0.04, ये हमारे पास आया 10187.00।
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट का हमें हमेशा ध्यान रखना है किस यूनिट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसके बाद फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को, तो गेट एरिया हमारा बराबर होगा क्यू और गेट वेलोसिटी। तो गेट वेलोसिटी हमारी जो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग 10187, ये हमारा डिस्चार्ज हो गया, फ्लो रेट हो गया। गेट वेलोसिटी हम जो यहाँ पे लेंगे वो लेंगे हम 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो 40 मीटर पर सेकेंड है इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम जो अभी तक कैलकुलेशन करते आए हैं जो हमारा ये फ्लो रेट आया है ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में आया है, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 4000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो गेट एरिया निकल के आया, गेट एरिया निकल के आया है हमारा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गेट एरिया हमारी कास्टिंग के लिए होगा जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, एलॉय जिसके अंदर में हमने उसका कास्टिंग का वेट, उसका ओवरफ्लो वेट, तो ये हमने कंसिडर किए इसके अंदर में। तो ये एक राइट मेथड है गेट एरिया कैलकुलेट करने का। तो आप लोग जब भी इस गेट एरिया को कैलकुलेट करें अपनी कास्टिंग के अकॉर्डिंग, अपने अलॉय के अकॉर्डिंग, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को ना भूलें उसके अंदर कंसीडर करते समय। तो थैंक यू गाइस, और फिर से मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो के अंदर में नए टॉपिक के साथ में। और ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे जितने भी वीडियो हैं वो डाइकास्टिंग बेस नॉलेजेबल हैं, तो उनको शेयर करना ना भूलें। तो मेरी जो ये चेन है शेयरिंग की, इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखें और मेरे जितने भी वीडियो हैं मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन जो है आपके डाइकास्टिंग के हर सॉल्यूशन के लिए आपके साथ खड़ा है। और थैंक यू।